साधो सहज समाध भली, साधो सहज समाधि भली, आँख न मूंदो कान न मूंदो तनक ध्यान नहीं धारो। कुछ मुनसे नहीं मनते, न आँख बंद करना आता है न प्राणायाम करना आता है मुझे, कुछ मैं कर नहीं सकता हूँ। सहज समाधि, सहज समाधि, शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा, भगवान शिव की समाधि। पानी नीचे, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, धीरे से पानी को, बाल्टी को धीरे से निकालो, पानी शुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से इसमें अविद्या का जल भर गया है, शरीर रूपी घट में आदि अविद्या अटपटी, ये जो आदि अविद्या है ये इसमें भर गई है। अब इसको निकालने के लिए नाना प्रकार के कर्म करते हो, तो कर्म से कर्म का नाश नहीं हो सकता, कर्म से कर्म का नाश नहीं हो सकता है, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकती है। कीचड़ साफ करने के लिए शुद्ध जल चाहिए, अविद्या के जल को दुरुस्त करने के लिए विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, ज्ञानी गुरु चाहिए। संसार का आकर्षण हमारे परिश्रम को दूर नहीं कर सकता है। अगर हम संसार की उपेक्षा कर दें, सम हो जाएं, हम स्वयं शुद्ध हैं और शुद्ध रहना हमारा स्वभाव है, शुद्ध रहना हमारा स्वभाव है। ये जो कीचड़ है, ये जो गंदगी है, ये जो वासनाएं हैं, ये सब आगंतुक हैं, हम इनको भगा सकते हैं, भगाने की कोशिश नहीं करते हैं इसलिए नहीं भागती हैं, हम चाहें तो इन्हें भगा सकते हैं और भगाना भी चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को भगाना चाहिए। मद रूपम उभयम त्यजेत, तात्पर्य यह है कि जो परमात्मा है वो करण निरपेक्ष है, करण निरपेक्ष है। अर्जुन क्या हो रहे हैं यहाँ, अर्जुन यहाँ से कर्म, यहाँ कर्म निरपेक्ष हो रहे हैं, न योत्से, इनको मैं नहीं मारूंगा, न योत्स्यो, मैं इनसे युद्ध नहीं करूंगा। क्षत्रिय का युद्ध करना कर्म है और अर्जुन यहाँ कर्म निरपेक्ष हो रहे हैं। अपेक्षा शब्द है, निर उपसर्ग है, तो हो जाएगा नहीं चाहिए। तो और दुर्योधन क्या हो रहा था, दुर्योधन धर्म निरपेक्ष हो रहा था, भाई को भाई की संपत्ति देनी चाहिए, भाई को भाई की संपत्ति देनी चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने अपने धर्म का पालन नहीं किया। यहाँ अर्जुन ने कहा कि हमें अगर हमारी संपत्ति प्रेम से प्राप्त नहीं होती है, समाधान से प्राप्त नहीं होती है, तो मांगने से प्राप्त नहीं होती है, तो हम युद्ध करेंगे। और जब युद्ध भूमि में खड़े हो गए तो भगवान से कहने लगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अपने कर्म से च्युत हो रहे थे अर्जुन, उसी के लिए भगवान उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। जिनके मन में ये संदेह है कि भगवान ने अर्जुन से युद्ध कराया, ये बात ठीक नहीं है। अर्जुन तो युद्ध में पहले से ही प्रवृत्त थे, युद्ध करना चाहते थे, पूरा आयोजन अर्जुन ने ही किया था युद्ध का, और भगवान को निमंत्रण देने के लिए हस्तिनापुर से द्वारका अर्जुन ही आए थे, दुर्योधन भी आया था। इसलिए युद्ध की कल्पना, युद्ध का आयोजन, युद्ध का संयोजन सब अर्जुन का ही था, भीमसेन का और अर्जुन का। भगवान ने देखा पांडव अत्याचार से पीड़ित हो रहे हैं, तो भगवान ने उनकी सहायता की, क्योंकि वो भगवान के शरणागत थे, शरणागत की सहायता करना, भगवान के अपने थे, वो अपने थे, अपने की सहायता सब करते हैं। जब अपने की सहायता सब करते हैं तो फिर अपने जो होते हैं, जिनकी हम सहायता करते हैं, जिनकी हम रक्षा करते हैं, वो हमारी रक्षा करता है। अगर हमारी खोपड़ी में कोई डंडा मारे तो हाथ बचाएगा, ऐसा कर लेगा तुरंत हाथ, किसी के सिर पे कोई लाठी मारे तो तुरंत हाथ ऐसा आ जाएगा अपने आप, क्योंकि हाथ सिर के सबसे पास में है, इसलिए हाथ सिर की रक्षा करेगा। तो जो वस्तु पास में होगी वो तुम्हारी रक्षा करेगी, धर्म को अपने पास में रखो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। त्याग का फल है शांति,
जो भगवान का भक्त होता है अहम को बदल लेता है, तुम भगवान, भगवान अहम को मिटा देते हैं, अहम भवान चान्यस्तम त्वमेवाहम विचक्षुभो, मैं तुम हूँ और तुम मैं हो, भागवत जी में ऐसा कहते हैं। तो अगर हम बुराई का त्याग करेंगे तो भलाई न करने पर भी हम भले आदमी हो जाएंगे, क्योंकि भलाई सीमित है और बुराई असीमित है। भला करना स्वतः सिद्ध है और बुराई करना आगंतुक है। बुराई करना हमारा स्वभाव नहीं है, आया हुआ स्वभाव है। कैसे आया है वो कैसे आया है, उसके आने के दो कारण हैं। एक संस्कार से आता है। कोई कोई बालक जन्म से क्रोधी होता है, जन्म से क्रोधी होता है। कोई सत्संग से हो जाता है, कोई परिवार के प्रभाव से उसके परिवार के गुण और धर्म उस बालक में आ जाते हैं। तो बुराई आगंतुक है, इसलिए आपने देखा होगा कि जो बुराई, जो बुरे लोग हैं, कुछ दिनों के बाद सत्संग से, उपदेश से, किसी भी साधन से, किसी भी उपाय से उनकी बुराई दूर हो जाती है, बुराई दूर हो जाती है। एक लोभी पुरुष था, खेत में गया तो खेत में उसको हीरा मिला, चमकता हुआ पत्थर। उसने समझा कि बहुत कीमती पत्थर है, तो उसको उसने उठा लिया और हाथ में रख लिया, मुट्ठी बांध करके चला जा रहा था, और सामने से उसके गुरुजी आ रहे थे। गुरुजी को देख करके उसने सोचा कि गुरुजी के सामने अगर मैं पड़ गया तो ये कीमती पत्थर गुरुजी मुझसे मांग लेंगे, और गुरु ने अगर मांग लिया तो मैं मना कर नहीं सकता। तो उसने रास्ता बदल ली, दूसरा रोड पकड़ लिया। तो गुरु भी गुरु थे, गुरु यानी भजनदार, गुरु यानी चेला का कल्याण करने वाला। गुरु ने भी रास्ता बदल लिया, चेला ने फिर रास्ता बदला, गुरु ने फिर रास्ता बदला। अब चेला ने सोचा अंधेरा हो जाएगा, डाकू वाकू मिल जाएंगे, मेरा ये हीरा छीन लेंगे। तो गुरु के सामने पहुंच गया, फिर रास्ता नहीं बदला। गुरुजी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो, बड़ी जल्दी में हो। हाँ गुरुजी, आज हमको बहुत काम है और हमको भूख भी लगी है, कल हम आके आपके दर्शन करेंगे, कल मिलेंगे। कारे सुनो तो हमारी बात तो सुनो, हमें तुमसे जरूरी काम है बेटा। कह नहीं गुरुजी, कल बात कर लेंगे ना अपने लोग। बोले गुरुजी ने कहा, नहीं नहीं आज ही बात करना, इतना जरूरी काम है कि हमको आज ही बात करना है। अच्छा, तो चेला ने जो हीरा था उसकी मुट्ठी में, उसको मुट्ठी में बांध लिया ताकि गुरुजी देख ना पाए। गुरुजी समझ गए इसके हाथ में कुछ है, गड़बड़ी है कुछ। चेला से कहा कि बेटा हमारे साथ चलो, आगे आगे गुरुजी, पीछे पीछे चेला। दीक्षा ली थी, गुरु मंत्र लिया था, आज्ञा का पालन तो करना पड़ेगा, तो पीछे पीछे चला। नदी पार की, एक बहुत बड़ा जंगल गया, जंगल मिला। उस जंगल में बहुत बड़ी गुफा थी। गुरुजी चेला को लेकर के गुफा के अंदर गए। उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ा महल, विशाल महल था, जिसमें 9 कमरे थे बड़े बड़े। एक कमरे में हीरा था, एक में मोती था, एक में माणिक था, एक में मूंगा था, 9 रत्न भरे हुए थे। और उस महल की दीवारें चांदी की थीं, उस महल का फर्श सोने का था। गुरुजी, ये महल आपका है? हाँ बेटा, ये पूरा साम्राज्य मेरा है। सामने देखो कितनी सुंदर नदी बह रही है। चेला ने नदी को देखा, महल को देखा, बड़ा प्रभावित हुआ। गुरुजी ने कहा कि बेटा हमारा बुढ़ापा आ गया है, ये 9 रत्न और ये महल, ये सोना चांदी हम किसी योग्य अधिकारी पुरुष को देना चाहते हैं। चेला बोला, हम आपके बहुत पुराने चेला हैं, अगर आप योग्य समझो तो मने जापी दो, हमको ही दे दो आप। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा हाँ, तुम हो तो योग्य, हम तुम्हें दे सकते हैं, तुम हमारे प्रथम शिष्य हो, सीनियर हो, लेकिन हमने ये संकल्प किया है कि जिसका हाथ खाली होगा हम उसी को देंगे। आया समझ में, ख्याल पड़ी? अब वो बेटा हाथ में हीरा लिए हुए था,
उसको दबाए जा रहा था, पकड़े जा रहा था कि गुरु जी देख ना लें। और जैसे ही गुरु ने कहा कि जिसका हाथ खाली होगा उसी को देंगे, तो चेला ने वो हीरे का जो कंकड़ था वो नदी में फेंक दिया, गुरु के चरणों में प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया मस्तक गुरु के नखाग्र पर रखा उसने आज्ञा चक्र को, और उसे आत्मबोध हो गया, गुरु जी आपने मेरे लोभ को नष्ट कर दिया, मुझे ये साम्राज्य नहीं चाहिए, मुझे तो वह तत्व ज्ञान चाहिए जिस तत्व ज्ञान के कारण इतने बड़े साम्राज्य के स्वामी होकर के भी आपके मन में लोभ नहीं है। सत्संग से मनुष्य का इस तरह से कल्याण होता है, अहेतुक कृपा ऐसे होती है, वो एक छोटे से हीरा के कारण बहुत बड़े साम्राज्य को छोड़ रहा था, और बहुत बड़ा साम्राज्य मिलने पर उसका भी जब त्याग उसने किया तो वह परम तत्व का ज्ञान उसे प्राप्त हुआ जो त्रैलोक्य का स्वामी है, गुरु ने उसे उसको प्राप्त करा दिया, त्रैलोक्य के वैकुंठ की प्राप्ति करा दी, समस्त धनों का जो धनी है उसकी प्राप्ति करा दी, जो लक्ष्मी का पति है उसकी प्राप्ति करा दी गुरु ने। लोभ का त्याग किए बिना बात नहीं बनती, जब तक उसके मन में लोभ था, जब तक उसके मन में विषय वासना की मुट्ठी बंधी हुई थी तब तक गुरु ने उसे कुछ दिया नहीं, जब विषय वासना की मुट्ठी छोड़ दी, अज्ञान रूपी हीरा को उसने अविद्या के जल में फेंक दिया, गुरु ने उसको तत्वोपदेश कर दिया, ये बात। इसलिए परमात्मा ने दुनिया बनाई है, तुम्हारे लिए बनाई है, हमारे लिए बनाई है, और शास्त्र कहते हैं परमात्मा ने क्रीडार्थ मात्मन मिदम त्रिजगत कृतंते, अपनी क्रीडा के लिए, अपनी आत्मरति के लिए पूरे विश्व का निर्माण किया है, पूरे विश्व का निर्माण किया है। अपने लोग परमात्मा ने जो किया है क्या कर सकते हैं उनके आगे, कुछ नहीं कर सकते। हजार काम पैदा कर सकते हैं हम, व्यस्तता पैदा कर सकते हैं, हजारों रुपया कमा सकते हैं, तनाव हो जाए तो शांति के साधन प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं, और हजारों घंटों काम कर सकते हैं, लेकिन हजार हाथ नहीं बना सकते हम, हजार हाथ नहीं बन सकते हम, और न हजार हाथ बना सकते हैं। परमात्मा हजार हाथ वाला है, परमात्मा हजार सिर वाला है, सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः, हजार आँख वाला है, सहस्त्रपात हजारों सिर वाला है, उसकी बराबरी हम कैसे कर सकते हैं। उसने जो कृपा करके अनुग्रह करके हमें जो संपत्ति दी है हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका सदुपयोग कर सकते हैं, वही हमको करना चाहिए। जब हम उसका सदुपयोग करते हैं तो धार्मिक कहलाते हैं, जब दुरुपयोग करते हैं तो अधार्मिक कहलाते हैं। भगवान हमें आँखों से दिखाई नहीं पड़ता है, आँखों से भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि हमारी आँखों को बनाने वाला भगवान ही है, भगवान ही हमारी आँख का निर्माण करने वाला है, स्वप्न के हम निर्माता भी नहीं हैं। स्वप्न में जो वस्तु दिखाई पड़ती है उसे हम बाजार में बेचने जाएं तो कोई खरीदेगा? स्वप्न में हमको दिखाई पड़ा कि हम सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं, सोना नहीं थाली में जमू छू, सवेरे उठ करके सोने की थाली लेके बाजार में जा सकता है बेचने के लिए? सुनार के पास नहीं जा सकता, क्या है? स्वप्न भी नहीं बना सकते आप, स्वप्न की वस्तु भी नहीं बना सकते। हम स्वप्न का केवल स्मरण करते हैं, बस स्मरण करते हैं। इसलिए ब्रह्मसूत्र में वेद व्यास जी ने एक सूत्र लिखा है, आनंदोभ्यासात। इस सूत्र का अर्थ है ये जीव आनंद को चाहता है, आनंद को चाहता है, आनंद भोगने की इसकी आदत है, अभ्यासात इसका अभ्यास है, आनंद भोगने का इसका अभ्यास बना हुआ है। आनंद मिले कहाँ,
जहाँ आनंद का सिंधु हो वहाँ आनंद मिले। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपाशी, आनंद का जो सिंधु है वो भरा हुआ है, पूरा सिंधु समाया हुआ है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। सीकर, सीकर कहते हैं कि वो जो नीम की लकड़ी, सूखी लकड़ी गिर जाती है ना, तो उस नीम की पत्ते की लकड़ी बारी बिल्कुल छोटी सी सींक जैसी, सींक जेवा, तो उसको समुद्र में डालो, ऐसी करके पकड़े रहो और समुद्र में डालो, और समुद्र में आधी डाल करके ऊपर निकालो तो उसमें एक बूंद लग करके आ जाती है। उस बूंद भरे आनंद में पूरा विश्व आनंदित हो रहा है। परमानंद के पास आनंद का इतना बड़ा सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख का जो सागर उसके पास है, उस सुख के सागर में से एक बूंद से पूरे विश्व को वह आनंदित करता है, ऐसा तुम्हारा पिता है। क्यों मांगते हो, क्यों मांगते फिर रहे हो यहां वहां? एक ब्राह्मण था, गरीब था, उसकी पत्नी ने कहा राजा के पास चले जाओ, कुछ मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण गया राजा के पास, द्वारपालों ने कहा कि कल आना। दूसरे दिन गया, द्वारपालों ने कहा शाम को आना। क्यों? राजा साहब सो रहे। फिर गया, कहा राजा साहब स्नान करते हैं। फिर गया, बोले राजा साहब चौपड़ खेल रहे, कल आना। निद्राति स्नाति स्वपति कुछ भरो भोग अत्यंत मास्ते, अत्यंत मास्ते। सो रहे हैं राजा जी, विश्राम कर रहे हैं, अभी मत कोई उठा नहीं सकता, कोई मिल नहीं सकता। बार बार गया, भूय भूय आया ही आही, गया और आया, आया और गया, आया और गया। पत्नी ने कहा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं मिला, कल फिर चले जाओ। तो ब्राह्मण बोला नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा। क्यों? नहीं, जिस परमात्मा ने राजा को धन दिया है वो मुझको भी देगा। काचा य नीचम कमनीय बाचा, मोचा फला स्वादु मोचा न याचे, दया कुचैले धन दत्त कुचैले, स्थिते या कुचैले श्रुति मा कुचैले। उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा सुदामा की दरिद्रता को दूर करने वाले, केले के माधुर्य को तिरस्कृत, सुदामा की दरिद्रता को दूर करने वाले शरणागतपन्न, शरणागत में गए व्यक्तियों की दरिद्रता को दूर करने वाले श्रीमन नारायण जब मेरे हृदय में विराजमान हैं, तो केले के माधुर्य को तिरस्कृत करने वाली अपनी इस कमनीय वाणी से नीच के पास जाकर के क्यों याचना करूं? काचा या नीचम कमनीय वाचा, अपनी मधुर वाणी से नीच के पास जाकर के याचना नहीं करूंगा, कंजूस से जाकर के नहीं मांगूंगा, राजाधिराज महाराज से मांगूंगा, विष्णु भगवान से मांगूंगा जो लक्ष्मीपति हैं, द्वारकाधीश से मांगूंगा जाकर के, छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं मांगने वाला। माता जी का जो भक्त होता है, श्रीयंत्र की जो उपासना करते हैं, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की जो उपासना करते हैं, वो क्या कहते हैं? याचे न कंचन न कंचन वंचयामी, सेवे न कंचन निरस्त समस्त धन्या, श्लेक्षणम बसे मधुर मध्वि बजे वर स्त्री, देवी हृदय स्फुरति में कुल काम धैनु। राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी कुल काम धैनु, मेरे कुल की काम धैनु, मेरे हृदय में जब स्फुरित हो रही है तो मैं किसी के पास जाकर के क्यों याचना करूं? मैं कंचन भी नहीं मांगूंगा, सोना भी नहीं मांगूंगा, मैं जगदम्बा की आराधना करता हूं, सेवे न कंचन, धनी लोगों की मैं सेवा भी नहीं करूंगा और किसी को ठगूंगा भी ना, न बंचे हामी, किसी को अपनी वाणी से ठगूंगा भी नहीं, झूठ नहीं बोल करके, झूठ बोल करके पैसा नहीं लूंगा। क्या कमी है मुझे? भगवती जगदम्बा का, श्रीयंत्र का लगा हुआ भोग मुझे प्राप्त होता है, सिलेक्षणम बसे, सुंदर चिकने चिकने कोसा के रेशम के कपड़े मैं पहनता हूं,
भजे वर स्त्री, और भगवती ने कृपा करके अपने स्वरूप वाली ही स्त्री मुझे प्रदान कर दी है, जिससे साथ मेरा विवाह हो गया है, मैं किसी के पास जाकर के याचना नहीं करूंगा। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला, यह सदगुरु की सीख। इसलिए नहीं मांगना चाहिए, ऐसे व्यक्ति से मांगो, हाँ, भगवान श्री राम से।